हाय फ्रेंड्स, हम आज बनाने वाले हैं एक समर ड्रिंक जो गर्मी में बहुत अच्छा लगने वाला है। और लॉकडाउन के टाइम पे हम थोड़े इजी इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं रॉयल फालूदा। ये आपको बहुत पसंद आएगा, तो डेफिनेटली घर पे ट्राई करें। चलो शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे बनाने वाले हैं जेली। ये मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट लिया है रेडीमेड। अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर मिल जाएगा तो आप ले लीजिए। उस पर जो पैकिंग पे आप के इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उस हिसाब से आप जेली बनाइए। मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया, उसमें जेली का मिक्सचर लिया है। और जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद थोड़ा और पानी ऐड करके, एक बॉयल के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। और जेली ये मैंने इसी तरह से जेली बनाई है, आपके जैसे पैकेट पर रखा होगा वैसे ही करिए। हम इसको अभी एक मोल्ड में निकाल देंगे। ये मैं फ्यूचर के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा जेली है इसके लिए, मैं मोल्ड में निकाल के उसको जेली का शेप दूंगी बाद में। और बाकी का मैं बर्तन में ही ठंडा करने रख दूंगी फालूदा के लिए। अगला हम बनाएंगे सेव। मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लावर और हम डालने वाले हैं सेम वेसल में। पहले 1 कप पानी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़े लम्स, कुछ भी लम्स नहीं रहने चाहिए अंदर, और इसका कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना चाहिए। देखिए हम मिला के, इसमें अभी कोई लम्स नहीं है। तो एक बार ये आपका मिक्सर रेडी हो जाए उसके बाद हम और डालेंगे 1/2 कप पानी। ये आपका थोड़ा परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए 1.5 कप टोटल पानी लिया है मैंने। देखिए एकदम परफेक्ट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। चलिए इसको आगे का प्रोसीजर करते हैं। पैन में मैंने ये मिक्सचर को डाल दिया है। लो फ्लेम पे मैं इसको कंटिन्यूसली हिलाऊंगी लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। देखिए कंटिन्यूस हिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, फिर गाढ़ा हो जाएगा एकदम। और ये देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चाहिए तो आपको पानी तो थोड़ा और आप डाल सकते हो। ये मैंने सेव का मोल्ड है, जो हमारा नॉर्मल सेव और चक्री का मोल्ड रहता है उसमें मैंने इसको चम्मच की मदद से डाल दिया है। और ये जो पतला सेव का नॉस्ट्रल है वो मैंने उसके ऊपर रखा है। एक बोल में आपको आइस का पानी लेना है, मतलब आइस लेना है, ठंडा एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। और इसके ऊपर ये देखिए मैं ऐसे सेव इसमें निकाल रही हूँ और इसको हम 5 मिनट तक रखेंगे। देखिए ऐसे दिख रही है। अभी 5 मिनट के बाद हम लोग इसको और परफेक्ट होगी। ये देखिए 5 मिनट्स के बाद एकदम रेडी है हमारी सेव। तो इसको पानी निकाल के साइड में कर दीजिए। अभी मैंने 750 ml दूध लिया है, इसको मैं बॉयल करने रख दिया है। एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद 5-10 मिनट के लिए ठंडा करके हम उसमें डालेंगे 3 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच रोज़ सिरप। रोज़ सिरप इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा रोज़ मिल्क रेडी है। ये देखिए परफेक्ट है। इसको आप रूम टेम्परेचर के आने के बाद थोड़ा रेफ्रिजरेट करें 1/2 घंटे के लिए, ये परफेक्ट चिल्ड हो जाएगा। और मैंने चिया सीड लिया है, आप चाहे तो सब्जा ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने चिया सीड को पानी में डिजॉल्व किया है। और अभी हम ग्लास में इसको सजाना चालू करें। पहले मैंने लिया 2 चम्मच जेली, इसके ऊपर हम डालेंगे अभी अपने चिया सीड या सब्जा लगभग 2 चम्मच। उसके बाद डाल रहे हैं सेव 2 चम्मच। उसके बाद थोड़ा रोज सिरप ऊपर से डाला है मैंने। डालेंगे वनीला आइसक्रीम, चाहे तो ये भी घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी है। उसके ऊपर वापस डालेंगे जेली और अभी हमारा रोज मिल्क डाल देंगे। ये क्या आइसक्रीम ऊपर आ रहा है। वापस सब्जा सीड्स डालेंगे और जेली डालेंगे उसके ऊपर। वापस से थोड़ा सेव, थोड़ा रोज सिरप और जेली वापस ऊपर से। और वापस मैं थोड़ा मिल्क इसमें ऐड करूंगी और इसके ऊपर डालूंगी वापस वनीला आइसक्रीम और वापस थोड़ा जेली। और इसके ऊपर बहुत सारे अब डालेंगे हम नट्स, आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं। देखिए हमारा फालूदा कितना ब्यूटीफुल और परफेक्ट दिख रहा है, एकदम कलरफुल। तो ये गर्मी में बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, आपके पूरे फैमिली को इतना पसंद आने वाला है ये डिश। प्लीज़ ये ड्रिंक ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये अपने बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप सबको खिलाए। और अगर आपको चैनल पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।